आकांक्षा रियल लाइफ ब्लॉग्स। और अभी सुबह के 10:15 हो रहे हैं और आज खुशी का दिन है क्योंकि आज मेरे पापा आ रहे हैं यहाँ पे मेरे पास और उनके लिए नाश्ता बनाना है। तो वैसे हम लोगों का नाश्ता लेट ही बनता है लेकिन आज थोड़ा जल्दी मैं जल्दी मतलब झाड़ू पोछा करके और जल्दी जल्दी किचन में आ गई। मैंने बालों में कंघी भी नहीं की है क्योंकि लेट हो जाएगा ना इसलिए। और मैं अभी फटाफट से आलू गोभी काटा है, आलू गोभी की का सूखा सब्जी बनाऊंगी और बेसन यानी कि गट्टे की सब्जी बनाऊंगी और पूड़ी बनाऊंगी। तो इतनी चीज़ बनानी है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं अभी क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने गोभी को बॉईल करके छान रखा है, आलू काट लिया है, टमाटर काट लिया है और कढ़ाई मैंने चढ़ा भी दिया है और फटाफट से सब्जी बनाएंगे और गट्टे की सब्जी बनाएंगे। सबसे पहले आलू गोभी की बनाएंगे और मैं चाहती हूँ कि जब मेरे पापा आए तो मैं फ्री रहूँ उनसे बात करने के लिए। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं क्योंकि हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा लेट। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मैं बालों में कंघी करूँगी, नहीं तो मैं ऐसे ही काम करती रह जाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। वैसे तो उनके पहुंचने का टाइम था 8:30 लेकिन, और 8 बजे हम लोग उठे थे, 7:30 में उठे थे लेकिन क्या हुआ ना, ट्रेन एक्चुअली लेट हो गई, 2-2.5 घंटे लेट हो गई, तो 10:30-11 के आसपास आएंगे इसलिए मुझे थोड़ा टाइम मिल गया काम करने का। आलू गोभी की सब्जी मेरी बन गई है और अब मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्जी। तो ये मैंने बनाया है, इसमें डालूंगी उबलते हुए पानी में और मैंने कढ़ाई धोई नहीं है इसलिए पानी ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब्जी जिसमें बनाई थी ना उसी में मैं गट्टे डाल दूंगी। ये है मेरी थाली, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। गट्टे की सब्जी और मीठी वाली दही है और फुली फुली कचौड़ी, आलू गोभी की सब्जी। तो खाना बहुत ही टेस्टी बना है सब लोगों ने बोला और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अभी बताया नाश्ता का करते करते 1 बजे का टाइम हो गया क्योंकि पापा 11:30 में आए, फिर चाय, नाश्ता, नहाना धोना सब करते करते 1 बज गया। तो नाश्ते में हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई और अब आ रही है सबको नींद। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, पहले खाना खा लो और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। खाना पीना हो गया था, हम लोग एक्चुअली मतलब कि ब्रेकफास्ट करते करते नाश्ता करते करते सुबह का बज गया था 1 और 1 बजे हम लोगों का नाश्ता ख़त्म हुआ है। उसके बाद पापा एक्चुअली 2:30 बजे वहाँ से चले थे, 2:30 बजे नहीं 3:30 बजे, 4 बजे उनकी ट्रेन थी, 3:30 में वो घर से निकले थे इसलिए उनको उठना पड़ा था 2:30 बजे और रात में लेट से सोए थे 12 बजे के आसपास, तो उन्हें नींद बहुत तेज़ आ रही थी तो फिर वो सो गए। हाँ बोलो, हाँ क्या बोलूँ ना, तो इसलिए पापा को नींद आ रही थी तो फिर पापा सो गए और हम लोग भी सो गए, सबको नींद आ रही थी एक्चुअली, तो सब लोग सो गए। और अभी शाम को उठे हैं और बाहर से जो नाश्ता है वो बाहर से आया है तो सब अभी हम लोग खा पी करके बैठे हैं और चाय वगैरह पी हम लोगों ने और हम लोगों ने बहुत सारी गप्पे की हैं और अभी देखती हूँ क्या करना है। और सुबह से कान्हा जो ड्रामा किए हुए था, मतलब जैसे ही सो के उठा तो अपने दादाजी को मतलब कि बिल्कुल फोर्स करने लगा, जाओ स्टेशन जाओ, लेके आओ। फिर पता चला कि 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई है, फिर भी कह रहा नहीं जाओ लेके आओ, वहीं खड़े रहो लेके आना, घर में रहने ही नहीं दे रहा था। और जब मैं बोली कि 2 घंटे बाद आएंगे तो हर 5 मिनट में मम्मा अब कितना टाइम बचा है, मम्मा अब कितना टाइम, मैंने उसे डांटा भी कितनी बार लेकिन कहाँ सुनने वाले, बच्चे किसी की नहीं सुनते। और जब पापा आए तो उसका एक्साइटमेंट लेवल जो था वो तो देखने वाला था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था इसलिए। कान्हा क्या कर रहे हो तुम, ये मस्ती में लगा नाना जी के साथ। अभी हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं और बस थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के गप्पे सप्पे कर रहे थे। और ये दोनों, ये हरसू है, कान्हा का दोस्त है जो कि कान्हा के साथ अक्सर खेलने के लिए आता है क्योंकि वो घर से निकलता नहीं है, घर में अकेला रहता है तो उसका दोस्त आ जाता है उसके साथ खेलने के लिए। और बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था नाना जी, चलो मेरे दोस्त से मिलो, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था। तो फिर हरसू को बुलाया
और यहीं पर खेल रहा है, और बस खेल रहा है। हम लोग इसको देख देख करके एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी जैसे लग रहा है, नहीं देख के लगता है काश हम लोग भी बच्चे होते हैं, लेकिन हो नहीं सकते हैं। तो बस वही सब है, देख करके हम लोग एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ये बार बार ना ऊपर फेंक के खेल रहा था, और घर है ना, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉल से फूट सकती हैं, तो इसलिए पापा इसको मना भी कर रहे थे कि उछाल करके मत खेलो, आराम आराम से खेलो। लेकिन बच्चे जब धुन में होते हैं, मस्ती में होते हैं, तो फिर कहाँ किसी की सुनते हैं, वो वही करते हैं जो उनका मन होता है। बड़े बोलते रह जाए, लेकिन बच्चे को वही करना है जो उनका मन होता है, बड़ों के बिल्कुल भी खेलने के टाइम में नहीं सुनते। इस लाइन से फिर इसीलिए चला जाता है, इस लाइन से लिखो लिखो। नहीं तुम चलो नाश्ता करने, तुम यहाँ क्या करोगे? तो कल हो गया था काफ़ी ज़्यादा लेट, और उसको पढ़ाने लग गए थे, तो टाइम कैसे निकला पता ही नहीं चला। आज है मंगलवार, और पापा मंगलवार का व्रत करते हैं और पूजा करते हैं, तो आज है पापा का फास्ट। पापा यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, और ये बैठ करके परेशान कर रहा है, ये कह रहा है कि मुझे भी देखना है देखना है, देखेगा क्या, परेशान करता है। और जब पापा का पूजा ख़त्म हो गया, 1-1.5 घंटे लग गए, और जब पूजा ख़त्म हुआ तो फिर पापा कुछ फल खा रहे हैं, क्योंकि व्रत में नमक नहीं खाते हैं। और आज का दिन देखिए कैसा है, मेरा फ्रिज हो गया है ख़राब, कूलिंग नहीं कर रहा है, रात में जो सामान रखा था सारा ख़राब हो गया। तो मुझे लगा ये क्या चक्कर है, फ्रिज चल नहीं रहा, तो पता चला ये कूल नहीं हो रहा है, ठंडा नहीं कर रहा है। ऊपर का सेक्शन सही है, नीचे का ठंडा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो हो गया है ख़राब। मैकेनिक को बुलाया है, वो देख रहा है खोल करके क्या प्रॉब्लम है। तो फिर खोलने के बाद पता चला कि पाइप जो है इसका जाम हो गया है बर्फ की वजह से, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला कि 1 गिलास पानी रख करके छोड़ देने के लिए। कान्हा यहाँ पर लेटा हुआ पढ़ाई कर रहा था, मम्मी चाय पी रही हैं। काना काना क्या कर रहे हो? देखो देखो मेरा सारा सामान फ्रिज का निकाल करके यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी बचा हुआ है, बहुत सारे सामान ख़राब हो गए, बहुत सारा अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर निकाल के रखा है। और ये गर्म पानी मांगा है इन्होंने, गर्म पानी पाइप में डाल रहे हैं ताकि जो बर्फ जमा हुआ है वो पिघल जाए और कूलिंग सही कर दे। तो ऐसा इन्होंने कर दिया, और फिर बोला कि 1 गिलास पानी भर के आप रख दीजिए, अगर 2 घंटे में ये चिल्ड हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो फ्रिज को ले जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, और 2 घंटे के बाद चेक किया तो नहीं कूल हुआ था। तो फिर लास्ट ऑप्शन ये बचा कि ये फ्रिज को ले करके जाएंगे और फिर ठीक करके लाएंगे। तो देखिए मेरा फ्रिज जा रहा है, यही आज का बैड न्यूज़ के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ, फ्रिज जा रहा है और ये ठीक हो करके फिर आएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर कर देती हूँ एंड, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ अच्छे से न्यूज़ के साथ कि मेरा फ्रिज ठीक हो जाए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और मुझे याद रखिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अगले व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।